एक बात बोलूंगा, हो सकता है सुनने में थोड़ी कड़वी भी लगी, बोलूं नहीं बोलूं, मतलब yes, थोड़ा बोल दूं, सहलोगे? ठीक है, कभी कभी थोड़ा कड़वा भी सुनना चाहिए। वो क्या है कि इस दुनिया में हर एक की एक कीमत है, हर इंसान की एक कीमत है, सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब आप इस तरह से जीने लग जाते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप बिक ही नहीं सकते। जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या था? थ्योरेटिकली हम बोलते हैं ये है वो है वो है, बट एक्चुअल में क्या है? पैसा। वो भी आपके लिए क्या हो गया? वहीं तक रहा जहां तक कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, दैट्स इट, ना कम ना उससे ज्यादा। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो पैसे की वैल्यू जितनी है उससे कम समझते हैं, वो बेवकूफ है, ये पैसा तो लाइफ में मैटर ही नहीं करता है। और यही लोग होंगे जो सड़क के साइड में कुछ दिनों बाद खड़े हुए मिलेंगे आपको, क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। भाई नहीं मैटर करता तो क्यों मांग रहा है? खाने के लिए। तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, नेवर से दिस थिंग कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हवा इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पैसा इंपॉर्टेंट है। उसका सर्वाइवल से तो कनेक्शन है, पैसे का सर्वाइवल से तो कनेक्शन है, क्या सेटिस्फैक्शन से कनेक्शन है? क्या अच्छी नींद से कनेक्शन है? क्या अगर आपके पास में बहुत पैसा होगा, मान लो जिस कमरे में आप सो रहे हो चारों तरफ पैसा ही पैसा है, तो नींद अच्छी आएगी या नींद उड़ जाएगी? उड़ जाएगी। इस थॉट से उड़ गई होगी अभी तो कई लोगों की, पंखा चलाया उसमें से भी पैसा गिर रहा, पैसा 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 चारों तरफ पैसा 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 पैसा। तो पैसा कम हो तब भी नींद उड़ जाती है, ज्यादा हो तब भी नींद उड़ जाती है। ये बात सुनने में बड़ी छोटी लग रही होगी, किसी भी बंदे के पास में जाओगे सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं हमारे आसपास में, कोई भी उठ करके बात बोल देगा। फिर उसको बोलो हाँ भाई तेरी औकात कितनी है? मेरी औकात है मैं एक ये हूं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का, मैं कम से कम 2 करोड़ चार्ज करता हूं। ले 4 करोड़, तेरे को टट्टी बेचनी है, बेचेगा? दो ना, क्या करना है? अभी तो थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, पैसे का हैप्पीनेस से कोई, तो क्यों बेच रहा है टट्टी? अभी आप हंस रहे हो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, लोग ऐसी ऐसी चीजें, सो कॉल्ड आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसी ऐसी चीजें आकर के बेच रहे हैं टीवी पे जो वो कभी भी अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे, तो क्यों बेच रहे हो आप? कोई गरीब आदमी करे तो समझ आता है, चलो उस बेचारे के पास में पैसा नहीं, अपना पेट भरने के लिए गलत काम कर रहा है, आप क्यों गलत काम कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है अभी भी वो जानवरों के लेवल पे है। और उनके इंटरव्यूज देखोगे तो बातें बड़ी बड़ी, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओह रियली? एक्शंस कुछ और कहते हैं, बातें कुछ और है। बातें बड़ी बड़ी, एक्शंस 2 कौड़ी, ये ज्यादातर दुनिया की कहानी है। किसी लेवल पे आके हम लोग डेथ के बारे में सोच सकते हैं, अभी से अगर सोचने लगेंगे तो पर्पस क्या होगा सर हम लोग आगे बढ़ने का? हाँ प्लीज सर, सिर्फ आप कह रहे हो कि भाई एक लेवल पे आने के बाद में हम डेथ के बारे में सोचेंगे, वो लेवल कौन सा होगा? मतलब जब हमारे पैर कब्र में लटके पड़े होंगे? तो एक्चुअल में इसके बारे में कब सोचना चाहिए? आप में से कितनों ने मेरा लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा है? लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो 2 घंटे का है। अच्छा, बाकी ने देखा ही नहीं है? अरे देखो भैया देखो, है वो कुछ अलग लेवल की चीज है। एनी हाउ, तो उसमें एंड में मैंने क्या एक कहानी सुनाई थी, याद है किसी को क्या कहानी थी? आपने कहा था कि एक आपके दादीमा कहानी सुनाया करते थे आपको, जिसमें एक मे बी कोई रिच पर्सन था, वो उसने पूरी ज़िंदगी तो बहुत कमाया, बहुत ऐश की पूरी ज़िंदगी, पर जब उसकी डेथ आई तो वो इतना खुश नहीं था, और उसका उसका दिल से वो कह रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, खुश नहीं रहा। तो अब आपने उस टाइम कहा था अगर ऐसा हमको लेवल अचीव करना है लाइफ में, अगर किसी भी दिन हमको पता चल जाए भी हमारी डेथ होने वाली है 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में हमारी डेथ होने वाली है, तो हम बिल्कुल खुश हों कि हाँ मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और जो मैं चाहता था मैंने अपने आप को इतना डिस्कवर किया, जो मैं चाहता था वो मैं कर चुका हूँ। हाँ, कि जब मेरी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स होंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया। ये हाईएस्ट गोल बनाओ अपनी लाइफ का, कि जब आपकी लाइफ के आखिरी मोमेंट हो तो उससे जस्ट पहले ये थॉट आना चाहिए, मजा आ गया, क्या लाइफ थी, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। अब उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा? क्या थोड़े बहुत से काम चल जाएगा? क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा हर लेवल पे? लगाओ दिमाग लगाओ,
तो बहुत कुछ करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो आप में औरों से ज्यादा एनर्जी है कम एनर्जी है? ज्यादा है। दुनिया जहां पर जाकर के अटक जाती है वहां से तो आपका खेल शुरू होगा, अगर ये आपका गोल है तो, अगर ये आपकी लाइफ का मोटिवेशन है तो। ये बात समझ आई जो मैंने बोली है? दुनिया का जो हाईएस्ट गोल है वहां से तो एक्चुअल में आपके इस गोल की शुरुआत होगी, जहां पर जाकर के दी एंड है इस दुनिया का। दी एंड क्या है? पैसा जितना चाहिए था उतना मिल गया, ये एंड नहीं है बहुत सारे लोगों का। हाँ, ये तो आपकी शुरुआत होगी। अब इस पैसे को आप यूज करोगे कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो एक्चुअल में आपको सेटिस्फैक्शन दे लाइफ में। ये है लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग मेरे साथ साथ में देख पा रहे हो तो। बिकॉज क्या होता है, देखो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जो लोगों से हमको मिलते हैं। एक होता है जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आपने बोल दिया, तो उसमें इतना मजा नहीं आता है। उसमें आपको अंदर से, आप क्या कह सकते हो, एक सेंस ऑफ ना तो सेटिस्फैक्शन होता है, ना एक सेंस ऑफ प्राउड होता है, ना कुछ अंदर ट्रिगर होता है। बट जैसे ही आप सरप्राइज देते हो तो सामने वाले को भी झटका लगता है, उसको जितना जोर का झटका लगता है आपको भी उतना मजा आता है। ये चीज रोज मेरे साथ में होती है, डेली ऑलमोस्ट। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है मैं इनफैक्ट जो भी बोलता हूं उनको झटका लगता है, और इसी में मुझे मजा आता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जो वो सोच रहे होते हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है जो मैं कर रहा हूं। जैसे कोई मेरे को मिलता है, थोड़ा बहुत मेरे बारे में उसको पता है, तो वो क्या कहेगा कि आपका ये काम बहुत बढ़िया है मोटिवेशनल स्पीकिंग का। मैं कहता हूं मेरा ये काम नहीं है। काम नहीं है मतलब आप यही तो करते हो? मैंने कहा नहीं, वो मेरा पैशन है। ये जो आप कर रहे हो इसके पैसे कहां से आते हैं? ये मैं खुद फंड करता हूं। आप खुद पैसे लगा करके ये कर रहे हो तो उसमें आपको क्या फायदा हो रहा है? मुझे कोई फायदा नहीं। मतलब हर लाइन में एक झटका है। तो हर लेवल पे एक झटका लगता है, उसी में मजा आता है। लेकिन ये सब उनके लिए झटका है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे फंडे क्लियर है, मेरा अपना पर्पस क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो करके एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आने वाले 10 साल बाद क्या होने वाला है, 50 साल बाद क्या होने वाला है, 1000 साल बाद क्या होने वाला है, मैं वहां तक देख रहा हूं। तो मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर है, आंसर्स बिल्कुल क्लियर है। कोई भी आएगा, बहुत लोग अप्रोच करते हैं, बहुत तरह तरह के, पता नहीं कहां कहां से, कि आप बोलो ना कितने पैसे लोगे। मैंने कहा तू भाई सब कुछ दे दे तब भी नहीं आऊंगा, समझे? तो मजा आता है खेल में, नहीं तो बंदा फिसल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आई एम श्योर कि जैसे आप लोगों से मैं पूछूंगा कि हाँ भाई ये करना चाहते हो, आप कहोगे कि नहीं मैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, 20,000 रुपये महीने का मिलेगा? नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहता। 50,000 रुपये महीने का मिलेगा? एक मिनट एक मिनट सोचना पड़ेगा। 1,00,000 रुपये महीने का मिलेगा? सर करो ना, बताओ ना क्या। तो वहां पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ा बोरिंग सा है, क्योंकि यही दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि सबका अपना एक रेट कार्ड है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, पैसे दो और कुछ भी बुलवा लो, सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, कचरा भी बेचने के लिए बिक रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जानते हो ना ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को। हाँ, अब मजा किस चीज में आता है? कुछ ऐसा करो जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कि अगर मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, वो सेलिब्रिटी है, वो मान लो 1 करोड़ में आ जाता है, 2 करोड़ में आ जाता है, तो भाई मेरे को 100 करोड़ देगा तब भी मैं नहीं आऊंगा। ना है तो ना है। मजा इसमें है कि आप कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा नहीं भी, थोड़ा सा दुनिया से कुछ अलग हो, या जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा सा अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो वहां पे सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इस एज के बाद में आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद में बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इंडिया में यही चलता है, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इसके बावजूद भी अगर आप कुछ कर जाओ तो कुछ मजा आएगा या नहीं आएगा? तो थोड़ा सा लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। इंटरेस्टिंग कैसे बनी रहती है? जब आपने कुछ थोड़ा सा अलग किया है। और अलग क्या होता है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मैं इसको समअप कर रहा हूँ, जो भी मैंने अभी तक कहा है उसको समअप कर रहा हूँ। अलग की डेफिनेशन क्या है? अलग की मतलब क्या है कि हाँ यहाँ पे उल्टे लटक जाओ और बोलो कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ? ये है अलग की डेफिनेशन। व्हाट इज अलग?
बेसिकली सोशल नॉर्म्स है, ये सोसाइटी कुछ नॉर्म्स बना देती है कि आपका बैकग्राउंड ये है तो आपको यही करना है। अलग की डेफिनेशन क्या है, जो इस नॉर्म से थोड़ा सा हट करके जो दुनिया आपके लिए कुछ नॉर्म्स बना रही है या कुछ बाउंड्रीज बना रही है, जैसे ही उस बाउंड्री से आप बाहर निकल जाते हो तो वो अलग की डेफिनेशन।